अस्सलाम असल मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया गुल और मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर इलियास आज के प्रोग्राम में हम मंडी की साख्त या मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे मंडी के साख्त को समझने के लिए फर्म्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी मसारफ पैदाइश रेवेन्यूज यानी वसूलियों और टेक्नोलॉजी को मद्द रखते हुए उनकी तवाज़नी हालत का जायज़ा लिया जाता है जो कि प्राइस और आउटपुट के तय से हासिल होती है इस सिम में परफेक्ट कंपटीशन यानी मुकम्मल मुकाबला और इम परफेक्ट कम्पटिशन यानि नामुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के रवैये को परखा जाता है इम परफेक्ट कम्पटिशन में मनोपली यानि अजारा दारी मनोपलिस्टिक कम्पटिशन यानि इजारा दारा मुकाबला और अलीगोपली यानि चंद की इजारा दारी के तहत फर्म के रवैये का मतल किया जाता है इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इम परफेक्ट कम्पटिशन के तहत फर्म के प्राइस और आउटपुट के तयन की इस सिम में सबसे पहले हम मनोपली के केस को डिस्कस करेंगे अजीज़ तलबात यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि प्राइस और आउटपुट के तयन से ये मुराद है कि एक फर्म मार्केट में मौजूद प्राइस पर कितना आउटपुट सप्लाई कर सकती है या करना चाहती हैं। मज़ीद के केस में फर्म प्राइस मेकर होती है जिससे मुराद ये है कि फर्म मार्केट में मौजूद प्राइस पर असरअाज हो सकती है अब डॉक्टर लियाज आपको के केस के बारे में मज़ीद बताएंगे डियर स्टूडेंट्स आम तौर पर नामकमल मुकाबला के तहत अजारा दारी या मनापली को डिसकस नहीं किया जाता मगर हम इस लेक्चर में एजारा को नामकम्मल मुकाबला के सन में इस मफरूज़े पर डिस्कस कर रहे हैं कि एजारा के, के केस में नामुकम्ल मुकाबले की कैफियत इनफिनट या लामहदूद होती है यानी मनापली में आइडियली मुकाबिल फर्म्स मौजूद नहीं होती और आम तौर पर सिर्फ़ एक एजारा फर्म का तवाजुन डिस्कस किया जाता है दूसरे लफ्सों में सिर्फ़ एक फर्म पूरी इंडस्ट्री की तर्जुमानी करती है और इस फर्म को किसी शेय की प्रोडक्शन या फरोख्त पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है नज़ अजारा फर्म की प्रोडक्ट्स का कोई करीबी सब्सिट्यूट या नेमुल बदल नहीं होता मजीद बरँ कानूनी समाजी और तकनीकी लिहाज से एजारा में दाखला मुश्किल और बाज़ हालात में बिल्कुल नामुमकिन होता है और इस तरह फर्म और इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं रहता मुकम्मल मुकाबला में फ़र्म को पहले से मार्केट में मौजूद प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट की मकदार फरोख़ करना पड़ती है लेकिन अजारा में ऐसा नहीं होता क्योंकि एजारा कीमत पर असरअंदाज हो सकता है यानी अगर वो चाहता है कि अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाए तो वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत में कमी करके ऐसा कर सकता है और अगर वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है तो वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा कर देगा इस तरह एजारा को अपनी प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व का सामना करना होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है नतीजतन इज़ारादार की मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड होती है और एवरेज रेवेन्यू कर्व से स्टीपर होती है शॉर्ट टर्म में इज़ारादारी के तहत कीमत और पैदावार का कायन आम फर्म्स की तरह उस पॉइंट पर होता है जहाँ फर्म ज़्यादा से ज़्यादा नफा कमा रही हो दूसरे लफ्ज़ों में उस पॉइंट पर जहाँ तोज़ुन की नेसेसरी और सेफिशेंट कंडीशन पूरी हो रही हो, इजारा दार फर्म तोज़न की हालत में होगी डियर स्टूडेंट्स, तोज़न की नेसेसरी कंडीशन उस वक्त पूरी होगी जब फर्म की मार्जिन कास्ट मार्जिन रेवन्यू के बराबर हो जबकि तोज़ुन की सेफिशेंट कंडीशन के मुताबिक मार्जिन कास्ट कर्व मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे की तरफ से क़ता करे या नुकतः तोज़ुन पर मार्जिनल कास्ट कर्व की स्लोप मार्जिन रेवेन्यू कर्व की स्लोप से ज़्यादा हो आइए डायग्राम के ज़रिए एक इजारा फर्म का नुक़ः तो देखते हैं इस डायग्राम में पॉइंट सी डैश और आर डैश तोजुन की नेसेसरी कंडीशन को पूरी कर रहे हैं यानी मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है नीचे डाइग्राम में पॉइंट एफ़ पर मार्जिनल कास्ट मार्जिन रेवन्यू को ऊपर से क़ा कर रही है यानी इस पॉइंट पर तोज़ुन की सेफिशेंट कंडीशन पूरी नहीं हो रही ऊपर डायग्राम में पॉइंट सी डैश आर डैश से ऊपर है यानी फर्म लॉसेस में जा रही है ओ क्यू वन आउटपुट और ओ क्यू टू आउटपुट पर फर्म ब्रेक इवन पोजीशन पर है और ओ क्यू वन आउटपुट से पहले फर्म लॉसेस में जा रही है जबकि ओ क्यू वन और ओ क्यू टू आउटपुट पर फर्म ना नफ़ा हासिल कर रही है और ना नुकसान उठा रही है पॉइंट आर और पॉइंट सी इस पर फर्म की नेसेसरी और सेप्शन कंडीशन दोनों पूरी हो रही हैं पॉइंट आर पॉइंट सी से ऊपर है यानी फर्म नफ़ा हासिल कर रही है और दरमिनी फासला भी ज़्यादा से ज़्यादा है इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है जहाँ फर्म एक्बरम पर है और ओ क्यू ई आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और फर्म का प्राइस को हम पॉइंट यू से देख सकते हैं यानी फर्म के प्राइस ओ पी के बराबर है इस तरह फर्म पॉइंट ई e पर दोनों कंडीशंस यानी नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन पूरी कर रही है पॉइंट ई e पर फर्म तोज़न की दोनों कंडीशंस यानी नेसेसरी कंडीशन और सेफिशेंट कंडीशन दोनों को पूरी कर रही है ये याद रहे कि फर्म वहाँ प्रोड्यूस करेगी जहाँ उसको पेश आने वाली डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी यूनिटी से ज्यादा हो और फर्म उस जगह हरगिज प्रोड्यूस नहीं करेगी जहाँ उसको पेश आने वाली डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी यूनिटी हो या लेस देन वन हो क्योंकि इस सूरत में फर्म का मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग रन में मनापली के तहत प्राइस और आउटपुट के तयन की तरफ अब हम आते हैं लॉन्ग रन या अरसा तवील में कोई नई फर्म इस सनत में दाखिल नहीं हो सकती सिर्फ मनापलिस तलब के हालात के मुताबिक अपने प्लांट की जिसामत में तब्दीलियाँ ला सकता है वह अपने प्लांट को उसकी मीरी गुंजाइश से कम इस्तेमाल कर सकता है अगर उसकी शय की तलब उसके प्लांट के मीरी गुंजाइश से कम हो दूसरी सूरत में वो अपने प्लांट को मीरी गुंजाइश के बराबर इस्तेमाल कर सकता है जब इसकी शय की तलब प्लांट के मीरी गुंजाइश के बराबर हो तीसरी सूरत में जब शय की तलब प्लांट की मीरी गुंजाइश से ज़्यादा हो तो मनोपलिस्ट अपने प्लांट को मीरी गुंजाइश या ऑप्टीमल प्लांट साइज से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है अब हम इन तीन मुमकिन सूरतों को डायग्राम के जरिए वाज करते हैं पहला केस डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ एजारा या मनोपलिस्ट अपने प्लांट को मी गुंजाइश से कम इस्तेमाल करता है क्योंकि इजारादार की शय की तलब उसके प्लांट के मीरी गुंजाइश से कम है पॉइंट ई पर मार्जिन कास्ट मार्जिन रेवेन्यू को ख़ा करती है या इंटरसेट करती है और ये मनोपलिस्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस पॉइंट से ऊपर की तरफ अमूदन जाएँ तो पॉइंट सी और पॉइंट आर हासिल होता है पॉइंट सी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के गिरते हुए हिस्से पर वाक़ है जो लेस देन ऑप्टिमल ऑप्टीमल साइज को शो करता है और मनापलिस्ट की चार्ज करदा प्राइस को पॉइंट आर जो के डिमांड कर्व या एवरेज रेवन्यू करव पर वाक़ है हासिल की जा सकती है इस तरह मनोपलिस की कॉस्ट ओ ए है जबकि चार्ज करदा प्राइस ओ पी है मनापलिस्ट पी ए सी आर के बराबर मामूली मुनाफ़ा कमा रहा है इस डायग्राम में दूसरे केस को दिखाया गया है दूसरे केस में मोनापलिस्ट अपने प्लांट के ऑप्टिमल साइज़ को इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके आउटपुट की डिमांड उसके प्लांट के ऑप्टिमल साइज़ के बराबर होती है पॉइंट सी मनापलिस्ट का एक लिबन पॉइंट है जहां लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के मिनिमम पॉइंट पर वाक़ है जो कि ऑप्टिमल प्लांट साइज़ को शो करता है पॉइंट सी से ऊपर की तरफ अमूदन जाएं तो पॉइंट आर जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व पर एक पॉइंट है उससे मोनोपलिस्ट की चार्ज करदा प्राइस हम बासानी हासिल कर सकते हैं जो कि ओ पी है इस तरह मोनोपलिस्ट ओ के बराबर एवरेज कॉस्ट इनकर कर रहा है जबकि ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज कर रहा है लिहाजा मोनोपलिस्ट इस सूरत हाल में पी ए सी आर के बराबर मुनाफा कमा रहा है मनापली के तहत लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के तीसरे केस में मोनोपलिस्ट अपने प्लांट को ऑप्टिमल साइज से ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके आउटपुट की डिमांड प्लांट साइज से ज़्यादा होती है पॉइंट ए मोनोपलिस्ट का एक पॉइंट है जहाँ लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कता या इंटरसेट करती है इस तरह इस पॉइंट पर नेसेसरी और सेफिशेंट दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं इस पॉइंट से अगर नीचे की तरफ जाएं तो पॉइंट सी हासिल होता है जो कि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के चढ़ते हुए हिस्से पर वाक़ है जो कि मोर ऑप्टिमल प्लांट साइज़ को शो करता है पॉइंट ई e से ऊपर की तरफ जाएँ तो पॉइंट आर हासिल होता है जो कि एवरेज रेवेन्यू कार पर वाक़ है जिससे मनापलिस की चार्ज करदा प्राइस ओ पी हासिल होती है इस मोनापलिस के बराबर कॉस्ट इनकर कर रहा है और ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज कर रहा है और पी ए सी आर के बराबर गैरमूली नफ़ा कमा रहा है अजीज़ तलबा वालबात अब हम मनोपलिस्टिक कंपटीशन के तहत फर्म के तवाज़न का जायजा लेते हैं मनोपलस्टिक कंपटीशन को पहले दो बयान करदा फर्म्स यानी परफेक्ट कंपटीशन और मनोपलिक की करेक्टरिस्टिक्स या खासियतों का मजमु कह सकते हैं आइए अब वजाहत से इस नो की फर्म का जायजा लेते हैं मार्केट में मोनोपलिस्टिक कंपटीशन उस सूरत में वजूद में आता है जब बहुत सी मुख्तफ की फर्म्स ऐसी अशिया प्रोड्यूस कर रही हूँ जो एक दूसरे का करीबी नमुलबदल या सबसे झूठ तो होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के मुमासिल या होमोजीनियस नहीं होती दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मोनापलिस्टिक कम्पटिशन में बहुत से मोनोपोलिस्ट या इजारादार इस तरह एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं कि उनकी अशिया एक दूसरे से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती हैं और इस वजह से वो एक दूसरे के लिए मुकम्मल नबदल या परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होती मज़द ब ऐसी मार्केट में दाखला भी नस्बता आसान होता है मसलन पाकिस्तान में वाशिंग पाउडर टूथपेस्ट और टॉयलेट सोप की मार्केट्स। डियर स्टूडेंट्स अब हम मनोपलिस कंपटीशन के तहत प्राइस और आउटपुट के तयन की तरफ आते हैं मनोपलिस्टिक कंपटीशन में काम करने वाली फर्म को जिस ख़त तलब या डिमांड कर का सामना करना पड़ता है वो ना तो परफेक्ट कम्पटिशन की तरह मुकम्मल लचकदार यानी हॉरिजेंटल होती है और ना ही मनोपली की तरह कम लचकदार बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि वो बहुत लचकदार होती है मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में हर इजादार फर्म की अपनी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होने की वजह से एक मखसूस मार्किट या गाहकों का हल्का बन जाता है शॉर्ट टर्म में अगर शेय की डिमांड और कॉस्ट के हालात साजगार हों तो मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में मौजूद फर्म कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है इस डायग्राम में फर्म की मार्जिनल कास्ट मार्जिन रेवेन्यू को पॉइंट ई e पर नीचे से क़ता करती है यानी इस पॉइंट पर तवासन की नेसेसरी और कंडीशन पूरी हो रही हैं पॉइंट ई से ऊपर की तरफ जाएं तो पॉइंट सी हासिल होता है जो कि एवरेज कास्ट कर्व के ऊपर है और ऊपर पॉइंट आर है जो कि डिमांड कर्व या एवरेज रेव्यूकर्व के ऊपर वाक़ा है इस तरह फर्म ओ क्यू ई आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ओ ए के बराबर कॉस्ट इनकर् कर रही है या कॉस्ट उठा रही है और ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज कर रही है और फर्म का मुनाफा पी ए सी ए के बराबर है दूसरी तरफ़ अगर फर्म की प्रोडक्ट के लिए डिमांड और कॉस्ट के हालात नासगार हों तो फर्म को शॉर्ट रन में लॉसेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं इस डायग्राम में पॉइंट ई मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में मौजूद फर्म का एक लिबन पॉइंट है जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कता करती है यानी तोज़ुन की नेसेसरी और सेफिशेंट कंडीशन दोनों पूरी हो रही हैं पॉइंट ई से ऊपर की तरफ जाएँ तो पॉइंट आर हासिल होता है जो कि फर्म के एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व के ऊपर वाक़ है और फर्म की चार्ज करदा प्राइस ओ पी को जाहिर करता है ऊपर की तरफ अगर अमूदन जाएं तो पॉइंट सी जो कि एवरेज कास्ट के ऊपर पॉइंट है हासिल होता है और जो फर्म की एवरेज कास्ट को जाहिर करता है जो कि ओ ए के बराबर है इस तरह फर्म ए पी आर सी के बराबर लॉसेज उठा रही है या नुकसान में जा रही है परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्म का शॉर्ट रन में अपनी एवरेज वेरिएबल कास्ट पूरी करना जरूरी है ताहम अगर फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कास्ट पूरा करने से रहे तो भी वो शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन जारी रखेगी ताकि अपने गाहकों के हल्के से कहीं महरूम ना हो जाए लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मौजूद फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती हैं शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो तो इस मुनाफ़ा की कशिश की वजह से लॉन्ग रन में कई फर्म्स इंडस्ट्री में दाखिल हो जाती हैं जिसकी वजह से फर्म को मार्केट में पेश आने वाला तलब नीचे मुंतकिल हो जाता है यहाँ तक कि वो तलब या डिमांड कर फर्म की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर टेंजेंट बन जाता है नतीजतान फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है इस डायग्राम में पॉइंट ई पर फर्म की लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से क़ता कर रही है यानी तोज़न की और नेफिशेंट कंडीशन दोनों पूरी हो रही हैं फर्म ओ क्यू ई -E आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज कर रही है जो कि एवरेज कॉस्ट के बराबर है इस तरह मोनापलिस्टिक कंपटीशन में मौजूद फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है अजीज तलबातलबा आइए अब हम मार्केट में इम परफेक्ट कम्पटिशन के तहत प्राइस और आउटपुट के तयन को तीसरी अहम कैटेगरी के तहत डिस्कस करते हैं जिसे इकनॉमिक में ओलीगोपली कहते हैं ओलीगोपली की सूरत में पूरी इंडस्ट्री या मार्केट में फर्म्स की तादाद गिनी चुनी होती है जिसकी वजह से हर फर्म को मार्केट में काफ़ी अहमियत हासिल होती है दरहकीकत ओलीगोपली या चंद की इजारा दारी मार्किट की किसी एक वाज हालत का नाम नहीं है बल्कि मार्केट में पाए जाने वाले कई मखसूस हालात का नाम है बाज़ हालात में कभी दो या तीन फर्म्स सारी मार्केट पर छा जाती हैं और कभी दस बारह फर्म्स आपस में मुकाबला कर रही होती हैं कुछ हालात में होमोजीनियस प्रोडक्ट और दूसरे हालात में डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट तैयार कर रही होती हैं कभी फर्म्स में गठजोड़ या कल मौजूद होता है और कभी ये नहीं होता है। मज़ीद बरँ बाज़ हालात में नई फ़र्म्स के मार्किट में दाखिले पर ज़बरदस्त रुकावटें होती हैं और बाज वक़ात रुकावटें ज़्यादा सख्त नहीं होती इसलिए कई किस्म की ओलीगोपली मार्किट्स का पाया जाना उसके लिए किसी एक मीरी नज़रिया या मॉडल पेश करने की राह में हमेशा हालल रहा है तहम मीशत दानों ने ओलीगोपली के तहत फर्म की प्राइस और आउटपुट को मालूम करने के लिए कुछ मॉडल पेश किए हैं इस सिलसिले में हम सबसे पहले स्वीजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल डिस्कस करेंगे इस डायग्राम में एवरेज रेवेन्यू का खमदार ख़त किंग डिमांड कर्व को ज़ाहिर करता है पॉइंट ई इसका का लिबरम पॉइंट है इस डिमांड कर्व का पॉइंट ई किंग पॉइंट फर्म की प्राइस और आउटपुट का फैसला करता है पॉइंट ई e के दाएं जानब डिमांड कर्व कम लचकदार है जबकि बाएं जानब डिमांड कर्व ज़्यादा लचकदार है लिहाजा फर्म का किंग पॉइंट मार्जिन रेवेन्यू के बाएं तरफ मामूल के मुताबिक गिरता चला जाता है या नेगेटिवली स्लोप्ड है लेकिन किंग पॉइंट ई के मुकाबल मार्जिन रेवेन्यू अमूदी तौर पर नीचे गिरता है दूसरे लफ्ज़ों में एक रखना या गैप पैदा हो जाता है लेकिन किंग पॉइंट ई के दाए तरफ मार्जिन रेवेन्यू फिर से मामूल के मुताबिक नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाता है पॉइंट ई e के मुकाबल फर्म का आउटपुट ओ क्यू ई है और उसकी चार्ज करदा प्राइस ओ है फर्म की मार्जिन कास्ट मार्जिन रेवेन्यू को इसके वर्टिकल हिस्से या गैप में कहीं क्रॉस करेगी लेकिन कोई ख़ास इंटरसेक्शन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट हम शो नहीं कर सकते किंग पॉइंट ई के दाईं तरफ अगर फर्म प्राइस गिराए तो हरीफ फर्म भी अपनी अशिया की कीमतें गिरा देंगी जिसकी वजह से फर्म गाहकों को अपनी तरफ मायल करने में कामयाब नहीं होगी जबकि किंग पॉइंट के बाईं तरफ अगर फर्म अपनी प्राइस को ज़्यादा करे तो दूसरी फर्म ऐसा नहीं करेंगी इसलिए पहली फर्म अपने गाहकों से महरूम हो सकती है मजीद बरँ किंग पॉइंट ई e के दाए जानेब मार्जिन कास्ट मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा है जबकि बाई जानब मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा है पस फर्म किंग डिमांड कर्व के पॉइंट ई पर रहेगी इस तरह ओ क्यू ई -E आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज करेगी डी स्टूडेंट्स अब हम प्राइस लीडरशिप मॉडल के ज़रिए ओलीगोपली मार्केट में प्राइस और आउटपुट के तयन की तरफ आते हैं इस सिलसिले के एक केस में फर्म्स के गठजोड़ और समझौते के बगैर मार्केट में मौजूद सबसे कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस पर करने वाली फर्म का बकिया फर्म्स इतवा करती हैं फर्ज करें मार्केट में सिर्फ दो फर्म्स हैं इस फिनमिना को इकनॉमिक टर्म में डॉपली या दो की इजारादारी कहते हैं इस डायग्राम में फर्म ए लो कॉस्ट फर्म है जबकि फर्म बी हाई कॉस्ट फर्म है और इन दोनों फर्म्स को जिस डिमांड कर्व का सामना है वो डी डी के बराबर है और मार्केट की मजमू डिमांड डी डी है लो कास्ट फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट ई ए, ए है जहां वो ओ क्यू ए आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज कर रही है हाई कास्ट फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट ई बी है जहां वो ओ क्यू बी के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ओ पी बी के बराबर प्राइस चार्ज करना चाहती है लेकिन इसी आउटपुट को लो कॉस्ट फर्म ए प्राइस ओ पी ए पर प्रोड्यूस कर रही है इसलिए मजबूरन हाई कॉस्ट फर्म ओ पी ए के बराबर ही प्राइस चार्ज कर सकेगी इस तरह लो कॉस्ट फर्म ए क्यू ए के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और मार्केट का बकिया आउटपुट जो कि क्यू ए क्यू ई के बराबर है हाई कॉस्ट फर्म बी प्रोड्यूस करेगी प्राइस लीडरशिप मॉडल के दूसरे केस में एक बड़ी फर्म पूरी मार्केट पर गालिब या डोमिनेंट होती है जबकि बाकी फर्म छोटी छोटी होती हैं इस सूरत हाल में छोटी फर्म्स का रवैया परफेक्ट कंपटीशन में मौजूद फर्म्स की तरह होता है और तमाम छोटी फर्म्स डोमिनेंट फर्म की मकर करदा कीमत पर अपना आउटपुट फरोख्त करती हैं इस डायग्राम में डी एम डी एम मार्किट की मजमु डिमांड है जबकि डी 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 डोमिनट फर्म की डिमांड कर्व है स्मेशन मार्जिनल कास्ट स्माल फर्म की तमाम छोटी स्माल फर्म्स की मार्जिनल कास्ट है डोमिनट फर्म की मार्जिनल कास्ट एम सी डी मार्जिनल रेवेन्यू को पॉइंट ई e पर क़ा करती है जो कि डोमिनेंट फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएँ तो फर्म 100 यूनिट्स के बराबर अशिया प्रोड्यूस कर रही है जबकि ओ पी के बराबर प्राइस चार्ज कर रही है दूसरी स्माल फर्म्स की डिमांड कर्व इस सूरत हाल में डी एस डी एस है ये एक परफेक्ट कंपटीशन की तरह की सूरत हाल बन जाती है और समाल फर्म्स 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं और इस तरह मार्केट की मजमू मकदार 300 यूनिट के बराबर है इस सूरत हाल में छोटी फर्म्स डोमिनेंट फर्म की मुकर करदा प्राइस ओ पी चार्ज करेंगी और 200 के बराबर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट की मजमू प्रोडक्शन 300 यूनिट के बराबर है डी स्टूडेंट्स ऑलीगॉपली मार्केट के बाद केसेस में फर्म्स के दरमियान खुला और वाज माह होता है जिसे इकनॉमिक टर्म में कार्टल कहते हैं कार्टल के तहत प्राइस और आउटपुट मुतिन करने की दो सूरतें हैं पहली सूरत में कार्टल के तहत काम करने वाली फर्म्स अपने जॉइंट या मुशतरका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करती हैं इस मकसद के लिए फर्म्स आउटपुट और प्राइस की तयन की जिम्मेदारी किसी ऐसे मरकजी इदारे या सेंट्रल एजेंसी को सौंप देती हैं जिसे हर फर्म्स की डिमांड और कॉस्ट के बारे में मालूम होती हैं इस डायग्राम में दो फर्म्स का कॉर्टल दिखाया गया है डायग्राम के ए और बी हिस्सा में दो फर्म्स की अनफादी मार्जिन कास्ट और एवरेज कास्ट दी गई हैं जबकि डायग्राम सी में दोनों फर्म्स की मार्जिन कास्ट एम सी वन और एम सी टू की हॉर्जेंटल स्मेशन से मजमू मार्जिन कास्ट हासिल होती है कार्टल का तोज़न पॉइंट ई पर है जहां मार्जिन कास्ट मार्जिन रेवेन्यू को क़ता करती है और इस तरह मार्केट का मजमू आउटपुट ओ क्यू एम तय पाता है और प्राइस ओ पी के बराबर तय पाती है पहली फर्म Q1 के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है जबकि दूसरी फर्म Q2 के बराबर आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है कार्टल के दूसरे केस की सूरत में इसमें शामिल फ़र्म्स कोटे मुकर करके मार्केट में हिस्सादार बन जाती हैं और वो सब किसी मुतफ़ा प्राइस पर जमा हो जाती हैं अगर तमाम फर्म्स के मसारफी पैदाइश या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक जैसे या आइडेंटिकल तस्वर तो कर लिया जाए तो ऐसी सूरत में फर्म्स मनोपलिस की तरह कीमत करके मार्केट को मसावी तौर पर आपस में तकसीम कर लेंगी इस डायग्राम के पहले दो हिस्सों में दो इंफ्रदी फर्म की मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व दिखाई गई हैं जबकि आखिरी हिस्से में दो इंफरादी फर्म्स की मार्जिनल कास्ट के हॉर्जेंटल समेशन से टोटल मार्जिनल कास्ट हासिल की गई है जबकि दो इफ्रदी फर्म्स की डिमांड कर्व के हॉरिजेंटल समेशन से टोटल डिमांड कर्व हासिल की गई है इसी तरह मार्जिन रेवेन्यू कर्व को हासिल किया गया है पॉइंट ई कार्टल का एक पॉइंट है जहां मार्केट में ओ क्यू एम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है और ओ पी एम के बराबर प्राइस मुकर की जाती है जबकि कार्टल में मौजूद फर्म्स Q1 और Q2 बराबर बराबर आउटपुट पर अपना कोटा मुकर कर लेती हैं आज के प्रोग्राम में हमने मार्केट की साख या मार्केट स्ट्रक्चर की वजाहत मनोपली मनोपलिस्टिक कंपटीशन और के तहत फर्म के तोज़न का जायज़ा लेते हुए आपके सामने पेश किया उम्मीद है इससे आपके जहन में इन तस्वर या कॉन्सेप्ट का खाका वाज हो गया होगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाँ।